अभी बात नहीं उनसे। जो 22 लोगों के FIR हुए उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो वकील जवाब, और 44 लोगों का लुकआउट नोटिस जो हुआ उसके बारे में जवाब वकील दे देगा ना, जो जवाब देना होगा दे देगा। 3 दिन का जो नोटिस है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जवाब वकील दे देगा। दीप संधू के बारे में कुछ बता दीजिए, बीजेपी का था, बीजेपी का आदमी है। दीप संधू की फोटो देश के प्रधानमंत्री के साथ वायरल हो रही है। बीजेपी को अरे मत का सबका हो, बीजेपी का आ गया है। कौन टिकट साहब, कौन है, कौन कौन है टिकट साहब, कौन है ये, कौन है, कौन पता कर रहे भैया, पता कर रहे एक मिनट, उन्हें पुलिस पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए। आप यही रुको, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि गाजीपुर का जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर जो किसानों का मंच बनाया गया है, उस मंच पर किस तरह की अफरा तफरी इस वक्त देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा हंगामा वहां पर मचा हुआ है। आपको बता दें राकेश टिकैत और तमाम किसान नेता वहीं पर इस वक्त अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, हम अनशन शुरू करते हैं, अनशन जारी रहेगा। तो एक तरफ किसान है जो डटे हुए हैं, कह रहे हैं अनशन खत्म नहीं होगा, तो दूसरी तरफ जवान पूरी तरह से मुस्तैद है, जिनका अनशन क्या पूरा का पूरा आंदोलन जो बीते 64 दिनों से था वो खत्म करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और किसी भी वक्त यहाँ पर एक्शन हो सकता है। ये आप तस्वीरें हंगामे की देख रहे हैं। यकीनन राकेश टिकैत और उनके तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के लिए आज का जो दिन है वो ठीक संकेत नहीं दे रहा, क्योंकि किसानों का आंदोलन इस तरह से दम तोड़ देगा इसकी उम्मीद यकीनन किसी को नहीं रही होगी। किसानों को लेकर इस देश की जो संवेदनशील स्थिति थी, सभी चाहते थे कि बीच का कोई रास्ता निकले ताकि किसानों को भी ऐसा न लगे कि उनकी हार हुई या फिर जीत हुई और सरकार भी इस तरह की स्थिति में नहीं आ पाए। यानी कि कुल मिलाकर देश एक वक्त किसानों के साथ खड़ा था, लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह से कुछ तथा कथित किसान नेताओं का तांडव सामने आया, जिस तरह की लाल किला से तस्वीरें सामने आई, यकीनन वो अपने आप में पूरे देश को स्तब्ध कर गई। राकेश ये डंडा ले रहा था, ठीक है, और डंडा लेकर कुछ ना कुछ हरकत करता, हमारे संगठन का नहीं है, हमारे संगठन का नहीं है। अभी अभी पता करेंगे, ये डंडा ले रहा था यहाँ पे, जो आपके साथ अठार था, जो जो मीडिया के साथ में बदतमीजी कर रहा था, मीडिया के साथ कर रहा था, तो ये क्या बीजेपी के आदमी, किसका आदमी है, आपको क्या लग रहा है? राकेश कौन है वो आदमी, पता चला? अभी पता नहीं चला, अभी पुलिस को देंगे उसको, पुलिस कहाँ से मिला राकेश? ये यहीं था हमारे पास। देखिए अब राकेश टिकैत जो है, जो भी यहाँ पे, जो भी यहाँ पे संगठन से अलग के लोग हैं, वो बराए मेहरबानी करके
देखिए भाई आगे क्या बात, जो भी यहाँ पे गलत लोग हैं, जो संगठन के लोग नहीं हैं, मीडिया कर्मचारी को छोड़ के, पुलिस प्रशासन के लोग, कुछ एलआईयू के लोग हैं उनको छोड़ के, अगर कोई गलत आदमी है जिनकी मंशा गलत है वो यहाँ से छोड़ दे, चला जाए यहाँ से, अगर पकड़ा जाएगा जिसका इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, हम उसके खिलाफ नाम से एफआईआर दर्ज करेंगे। ये वे लोग हैं जो पुलिस पे, मीडिया पे जो बदतमीजी करते हैं। राकेश जी, अभी तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, क्या आप पुलिस के सामने पेश होंगे? अरे कर लो, अभी तो आपको नोटिस भेजा है। आप जाऊंगा, पेश होऊंगा, कर लो। कब पेश होंगे राकेश जी? अरे जब जब आपने कहा कि आप सरेंडर नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे, हम करेंगे। कब कब करेंगे राकेश जी? क्योंकि पुलिस एक तरफ देखिए योगेंद्र यादव के यहाँ पहुंची, आप कर लेंगे ये भी पता, अभी पता करेंगे उसको कौन पुलिस का कहना आता है। पुलिस अभी अभी नहीं आई, अभी पुलिस किसी प्रकार की कोई घटना होती तो है जी, अगर यहाँ पे किसी प्रकार का प्रशासन का कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती इसका जिम्मेदार नहीं, नहीं जिम्मेदार इसका ये है, देख रहे अभी जो लोग है उसको। राकेश जी क्या किया था इस शख्स ने आपके साथ, आप लोगों के साथ बताइए जरा, अपने लोग क्या किया था आप लोगों के साथ, आपके साथ कुछ कर रहा था कि मीडिया के साथ कर रहा था? क्या ना मीडिया के साथ मैं बदतमीजी कर रहा था। किसके साथ कर रहा था, किस किस तरह की बदतमीजी? पता नहीं यही कर रहा था, हालांकि यही घुस रहा था। आपके टेंट में घुसने की कोशिश कर रहा था क्या? अंदर घुस रहा था आपके टेंट में? अरे अभी पता चल जाएगी जो भी है उसकी। अपने लोग यहाँ से साइड में हो भाई, साइड में अभी बताएंगे उसको, पुलिस को देंगे उसको, दे दिया ना उसको, दे दिया उसको, पुलिस को दे दिया, पुलिस को दे दिया, पुलिस हवाले कर दिया है जो प्रेस वर्ल्ड का बहुत बहुत धन्यवाद है जो साथ में है आपका, बहुत धन्यवाद है। पानी पात पी लो भाई, प्रशासन ने बंद कर दिया पानी भी यहाँ पे, ठीक है अब थोड़ा सा आराम कर लो, गला खराब है, थोड़ी देर में बात करेंगे ना टिकट साहब, थोड़ी देर में बात तो करेंगे, कर लूंगा मैं, यही हूँ यही हूँ मैं, कर लो आप ही आराम कर लो। देखो जो भी यहाँ पे गलत तरीके का आदमी है वो छोड़ दे, हम उसकी हरकत से पता कर लेते हैं कि हमारा है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, निगाह रखो, वे आपके आसपास ही होंगे। हाँ। वो छोड़ कर चला जाए, अगर किसी का ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पे नहीं है, वो आंदोलन में नहीं है, उसको ये स्थान छोड़ना पड़ेगा।